हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। सी टेट 2011 से 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू, रिमेनिंग क्वेश्चंस। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबा के और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, पहला ऑप्शन है, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, या समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का स्तर इतना तो हो जाना ही चाहिए कि बच्चे जो है समाचार पत्र में किसी खबर को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ किस संदर्भ में, किस निहितार्थ उसका क्या है, क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? आकलन की औपचारिकता, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, या समृद्ध भाषा परिवेश? तो समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि एनरिच्ड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिसमें विभिन्न तरह के भाषा से जुड़ी सामग्री, चाहे लिखित हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, या टीवी के माध्यम से हो, या चार्ट के माध्यम से हो, या वार्तालाप के माध्यम से हो। तो जब जितना भी ज़्यादा समृद्ध भाषा परिवेश मिलेगा उतना ही बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, ठीक है, कौन? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत जो है वो सबसे अधिक भाषा विकास में योगदान देगी, बजाय कि टीवी या गृह कार्य या FM पर सुनने से, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, यानी डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। बोलने और सुनने का माहौल जब बच्चों को मिलेगा, ठीक है, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि आप जो मन में है आप बोलिए, ठीक है, गलत सहित। तो इससे जो है बच्चे के अंदर भाषा प्रयोग की दक्षता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो आसानी कब होगी? जब समृद्ध भाषाई परिवेश, इससे पहले जो ऑप्शन था, ठीक है, उसी का है। नेक्स्ट है, भाषा हमें डैश डैश की अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो भाषा हमें ज्ञान और कल्पना की अनोखी दुनिया में ले जाती है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति भी होती है भाषा ज्ञान से, और हम कल्पना भी कर सकते हैं, जैसे काल्पनिक रूप से हम चीज़ों को गद्य और पद्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, ठीक है, क्या कराए? तो देखिए, बहुत सारे काम करा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर, ठीक है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे, ठीक है। तो अगर एक अच्छा भाषा शिक्षक है तो वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक सीमा तक ज्ञान सीमित ना करके, ठीक है, या प्रश्नों को हल ना करके वो पाठ्य पुस्तक की सीमा से बाहर जाएगा, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, आम जन जीवन में भाषा को लेकर जो भी ज़रूरतें महसूस होती हैं, ठीक है, जो भी अवस्थाएँ बनती हैं, तो उनको जो है उनको अनुभव कराए, यानी ऐसा अनुभव प्रदान करें जो आम जीवन में हमें मिलता है। तो पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे, अलग अलग संदर्भों में भाषा का महत्व वो बताए, ठीक है, या उनको हम प्रैक्टिस कराएं इसे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तरफ भाषा हमारी डैश डैश को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें भी करती है, और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है, ठीक है। तो ये है, एक तरफ भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, भाई विचारों की अभिव्यक्ति तो है भाषा, वो भी एक मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, और सेकंड में आएगा सुसंस्कृत भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध हम कराएंगे, अगर भाषा की बारीकी को सही रूप से बच्चों को समझाना है तो, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सामग्री जो है भाषा से जुड़ी हुई, भाषा की प्रैक्टिस से जुड़ी, ठीक है, वो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए, ठीक है, इस कथन में
प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका मतलब है विशिष्ट भाषा प्रयोग से जुड़ी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के विषय के लिए संवैधानिक मूल्यों की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है 42, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय, आपकी खुद की राय, ठीक है। तो इसमें जो है आपको भाषा बोध और साहित्य बोध दोनों ही होना चाहिए, तभी आप भाषा बोध से तो आप किसी रचना को अच्छे से जानोगे समझोगे, ठीक है, और आप फिर स्वतंत्र राय अपनी रखे, ठीक है, उसके साहित्य बोध को, यानी उसको आप उसकी आप व्याख्या कर सकते हो अपने हिसाब से। तो भाषा बोध और साहित्य बोध दोनों ही होने जरूरी हैं। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षाएं बच्चों को किसी त्यौहार विशेष के बारे में बताना, आप बता। तो पहला ऑप्शन है किसी पुस्तक के त्यौहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे, किसी पुस्तक से बच्चों को उस त्यौहार के बारे में अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे। तो यही करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे उस त्यौहार से अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो अनुभव वाला जो ऑप्शन होता है हमेशा ठीक होता है, अपने स्वयं के अनुभव द्वारा। बाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो होती है वो चेतन होती है, चेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश डैश का माध्यम भरनी है, तो यहाँ संप्रेषण आएगा कि भाषा सिर्फ एक दूसरे तक बात पहुँचाने का माध्यम नहीं, संप्रेषण है कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्भर करती है, क्योंकि अगर हमारी भाषा पर किसी भाषा पर हमारी मजबूत पकड़ होगी तो उसके साहित्यिक पहलू हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे, सांस्कृतिक पहलू, और इससे हमारी सोच का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है नहीं, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना नहीं, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण नहीं, शुद्ध उच्चारण पर इतना ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए, बोलना सीखना आना चाहिए, मतलब बोलने की अवसर, तो बच्चों को सुनने और बोलने से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी, ठीक है। तो ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो बस, ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों से संबंधित, घरों का ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो, या घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने के बहुत अवसर हों। तो यहाँ भी वही अवसर की बात आ रही है, बोलने सुनने के अधिक अवसर बच्चों को दोगे, खुद करके सीखने के लिए दोगे, कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच रहेगी, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। देखिए, जब शब्दकोश यानी एक डिक्शनरी होती है तो उसमें आप अर्थ तो समझते ही हैं, समान अर्थ भी समझते हैं, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना या अक्षरों, तो क्रम इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्रम से तो हम ढूंढते हैं कि किसके बाद कौन सा आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है जो पता लगती हैं, तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2016 से 2019 तक की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के हिंदी शिक्षण के, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।